नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज। मिर्जापुर में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जेल में बंदियों से संवाद किया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि पेशेवर अपराधियों के लिए जेल में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे और बॉडीबॉल कैमरे से उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड में जेल से रचे गए षड्यंत्र की जाँच चल रही है। जेल के नियमों से खिलवाड़ करने वाले जेल कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चित्रकूट और बरेली जेल कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर सरकार कार्य कर रही है। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट। मैं आया था यहाँ हमारे जल शक्ति मंत्री के माताजी के स्वर्गवास में आया था, तो फिर यहाँ आगे हम माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने, और फिर जब दर्शन करने आए हैं तो हमने सोचा कि एक अभियान हमने चलाया है पूरे उत्तर प्रदेश में बंदियों के साथ संवाद का। तो जब यहाँ है तो हमने बंदियों के साथ संवाद किया है, और ये संवाद में हमारी 46वीं जेल है। बंदियों को, हर बंदी पेशेवर नहीं है, अनायास घटना में बहुत से कैदी हैं। उनको उनके परिवार से कनेक्ट करना और उनको बताना कि आपके जेल में आने के बाद परिवार आपका किन परिस्थितियों से, किस संकट से गुजरता है, एहसास कराते हैं कि बाहर जाने के बाद जब न्यायपालिका के माध्यम से जो बाहर जाएं तो दोबारा कोई गलती ऐसी न हो जिससे परिवार संकट में, परेशानी में आए। तो तमाम कैदी जितने हमारे संवाद में रहते हैं वो संकल्प भी लेते हैं कि बाहर जाने के बाद में कोई दोबारा गलती हम नहीं करेंगे, और जेल प्रशासन के लोगों को भी हम एक सुझाव निर्देश देते हैं कि भाई ये भी इंसान है और अनायास घटना में आते हैं, तो जो पेशेवर अपराधी नहीं हैं, पेशेवर अपराधियों के लिए जो नियम व्यवस्था है वही हो, लेकिन अनायास घटना में है उनके साथ मानवीय दृष्टि से व्यवहार हो। और हमारे यहाँ हमारे साथ CDO भी थे, हमारे ADM भी थे, और हमने कहा है कि यहाँ इन बच्चों को, जो नौजवान लड़के हैं, उनको कौशल विकास MSME से ट्रेनिंग कराइए जिससे वो बाहर जाएं तो स्वरोजगार से जुड़ सकें और दूसरे के ऊपर निर्भर न रहे। ये बताएं कि कई जेलों में शिकायतें आई हैं, खासतौर से मुख्तार की बहू मिली है। कई जेलों में नहीं, एक चित्रकूट जेल की नहीं, घटना बरेली है। जेल की भी बात है, बरेली में सस्पेंड किया है और चित्रकूट में भी हमने किया है, और जहाँ जो जानकारी हमें मिली है और जो भी कर्मचारी हमारे जेल प्रशासन के लोग लिप्त पाए गए हैं उनको हमने सस्पेंड किया है, और हमारे कई लोग जेल में भी गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ कोई रियायत कर रहे हैं, और हमने तुरंत 2 दिन बाद ही उनके BC बुलाई, और BC में हमने जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर, जेलर, उनको सबको जोड़ा और सख्त निर्देश दिए कि इस तरह की घटना कहीं भी पुनरावृत्ति होती है तो सख्त कार्रवाई होगी। कल भी हमने हमारे प्रमुख सचिव और उनके साथ हमने DG जेल के साथ हमने बैठक करके तब आए हैं यहाँ, तो हम निरंतर प्रयास में हैं कि पेशे पर अपराधियों के लिए कोई छूट नहीं है, और अनायास घटित घटना में कह दिए उनके साथ थोड़ा मान लीजिए CCTV लगाए जाएंगे सुरक्षा की दृष्टिकोण से। क्या आपने वो क्या नहीं, तो कह दिए हमारी जेलों में लगे हैं, हमारे पास 22-23 जेल ऐसी हैं जिनमें हाई सिक्योरिटी बैरक हैं, उन बैरकों में 24 घंटे CCTV कैमरे की निगरानी है, और मुख्यालय में हमने उनको वीडियो बॉल से जोड़ा है और वहाँ व्यक्ति 24 घंटे हमारी निगरानी कर रहे हैं। हमने बॉडी बॉर्न कैमरा भी लिए हैं जहाँ हमारे पेशेवर अपराधी हैं, वो हमारा कर्मचारी यदि कोई भी जाएगा तो वो कैमरा लगा करके जाएगा, हम पूरी शक्ति के साथ उसमें। तो सर, कैमरा के बाद कैमरा के बाद से घटनाएं हो जा रही हैं सर, क्यों ऐसा हो जा रहा है? कैमरा लगाने के बाद भी नैनी जेल या तो बरेली जेल जो साजिश हुई है उमेश पाल हत्याकांड में, तो वो कैसे हो रहा है सर? देखिए, उमेश पांड हत्याकांड में जो भी आए हैं, हमने चित्रकूट से जो जुड़ा मामला निकला है उसमें सस्पेंड हुए हैं, जेल गए हैं, बरेली में सस्पेंड हुए हैं, तो हम उनको सजा भी दे रहे हैं। बरेली जेल से हत्या की साजिश रच रहा था, ये तो अब अभी जांच चल रही है, पुलिस विभाग जांच कर रहा है, उसके बाद में जो भी तथ्य आएंगे वो होगा। अच्छा, इस तरीके का ना हो की मांग कर रहे हैं तो इस पे क्या कुछ लिया जाएगा? जेल कर्मी जो है कई दिनों से मांग कर रहे हैं भोजन भत्ते की, कहाँ प्रदेश भर में मांग चल रही है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, ऐसी जानकारी आएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। अच्छा, ये बताएं मंत्री जी, ये अगर इन द फ्यूचर इस तरीके की घटनाएं ना हो उसके लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? बता तो रहे हैं, हम जो और सख्ती कर रहे हैं, हमने जो है जहाँ हमारे पेशेवर अपराधी हैं वहाँ हम स्थायी कर्मचारी नहीं लगा रहे, ड्यूटी हमारी परिवर्तन करके हम लगाएंगे, CCTV कैमरे की निगरानी में है और हमने वीडियो बॉल से जोड़ा है मुख्यालय से, वहाँ 24 घंटे निगरानी हो रही है, जो हम कर सकते हैं नियम के अनुसार व्यवस्था वो हम कर रहे हैं। शिकायतें नहीं आएंगी,
आप कन्फर्म है कि अब शिकायतें नहीं आएंगी इस तरीके की? हमारी पूरी कोशिश यही है कि शिकायतें ना आए, और हमारी जानी मानी मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर कोई धब्बा ना आए, हमारा